तो दोस्तों गणेश जी के आशीर्वाद से एक बार फिर से आपके लिए तैयार करवा दिया गया है 200 गज का बहुत ही शानदार प्लॉट, जो कि रहने वाला है हमारा दिल्ली शहर के अंदर। और इस 200 गज प्लॉट के अंदर हम आपके लिए तैयार करवा रहे हैं 3 यूनिट्स, जिसके अंदर एक यूनिट आपके लिए रखी गई है 3 BHK की और 2 रखी गई हैं 2 BHK की। साइज़ की बात करेंगे तो जो सबसे पहली हमारी यूनिट है दोस्तों 3 BHK की, वो आपको मिलने वाली 100 गज, जो कि ऑन पेपर मिलेगी आपको 90 गज में। फ्रंट साइड में यूनिट रहेगी, फ्रंट में आपको मिलेगी 25 फीट का रोड, जो कि आपको मिलने वाला है उत्तमगढ़ मोहन गार्डन के अंदर। अब हम बात करेंगे अपने फ्लैट की, तो सबसे पहले अभी मैं जो आज आपको दिखाऊंगा ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है, जो कि रहने वाला है 100 गज के एरिया में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरा लॉबी एरिया है। फ्लैट के जस्ट साथ में हमारा लिफ्ट का सेक्शन आता है और बैक साइड के जो दोनों हमारे 2 BHK हैं वो रहने वाले हैं बैक साइड गली फेसिंग भी, जो कि मिल जाते हैं आपको 10 से 12 फीट की। 2 BHK की बात करेंगे तो वो हमारे रहते हैं ऑन पेपर 55 गज, बट आप यूज़ करेंगे उनको दोनों को 60 गज। तो शुरू करते हैं आज का 3 BHK फ्लैट, जो कि आपके लिए हम तैयार करवा रहे हैं दिल्ली शहर में। तो सबसे पहले एक छोटी सी झलक, उसके बाद कंप्लीट वीडियो। I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not. तो सबसे पहले नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, और मैं आपका अपना दोस्त लवी ठाकुर एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी ने। और वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी ने इस बार आपके लिए तैयार किया गया है 3 BHK का फ्लैट, जो कि आपको मिलने वाला है दिल्ली शहर के अंदर, और दिल्ली शहर के अंदर रहने वाला उत्तम नगर एरिया और उसके अंदर मोहन गार्डन एरिया के अंदर आपके लिए ये तैयार किया गया है 100 गज का फ्लैट, जो कि आपको मिल जाता है ऑन पेपर 90 गज। सबसे पहले देखेंगे इसका ड्राइंग रूम एरिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों एक बहुत ही सुख शांति वाला, एक समृद्धि वाला ड्राइंग रूम एरिया आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों तैयार करवा के दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गेस्ट की बैठक की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पीछे एल टाइप का सोफ़ा लगा हुआ है, जो कि आपके लिए 7 सीटर सोफ़ा लगा के आपको बताएगा कि आपके गेस्ट किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों बैठ सकते हैं। साथ में 2 पफी और सामने आपका सेंटर टेबल। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोल्डिंग का काम इसमें किया गया है, जिसके अंदर हमने लगवाए हैं भगवान के बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार वॉलपेपर्स। आप चाहें तो इन्हें ही कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर अदरवाइज आप अगर अपनी पसंद से कुछ भी लगवाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर के फ्लोरों में लगवा सकते हैं, क्योंकि ये सैंपल फ्लोर है, इसमें जो पेपर लग गया वो एज इट इज़ वही रहेगा। अब जस्ट ठीक इसके सामने की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मंदिर एरिया आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे और शानदार स्पेस के साथ हम आपको तैयार करवा के दे रहे हैं। जस्ट इसी के साथ में आ जाता है हमारा LCD पैनल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस का LCD पैनल है, जहाँ पर आप आसानी से 55 इंच का TV दोस्तों लगा सकते हैं। अब इसी के ठीक नीचे देख सकते हैं स्टोरेज है राइट में भी, जहाँ पे आप अपना डेकोरेशन कुछ भी कर सकते हैं। यह हमारा स्टोरेज एरिया आ गया कुछ भी सामान रखने के लिए, और ऊपर आप देख सकते हैं एंटिक पीस रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस हम आपको तैयार करवा के दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग की, तो आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग सा डिज़ाइन हम आपको तैयार करवा के दे रहे हैं, जिसके बीच में शैंडिलियर और राइट और लेफ्ट 2 फैन हम आपको एज इट इज़ दोस्तों लगा के देंगे। अब जस्ट ठीक ड्राइंग रूम से लगता हुआ रहता है दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके आए गए गेस्ट के लिए है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर स्क्वायर साइज में है, और स्क्वायर के साथ साथ सारा काम इसमें करवाया जा चुका है। टाइल्स आप देखेंगे प्रॉपर वॉल टू वॉल है, और उसके अलावा जितना भी सैनिटरी का काम है, बाथ फिटिंग है, सब कुछ कंप्लीट इसमें दोस्तों करवाया जा चुका है, जो कि आपके भी फ्लैट में एज इट इज़ आपको दोस्तों मिलेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम आपका किचन एरिया, और किचन एरिया जो कि रखा गया है आपके लिए एल टाइप में, और काफ़ी अच्छे बड़े साइज का है विद वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन कौन सी, नेचुरल वेंटिलेशन, जो कि आप बिल्कुल आप सामने दिख रही होगी खिड़की के रूप में। बट जाने से पहले अगर मैं बात करता हूँ आपकी किचन की एंट्रेंस की, बहुत ही बेहतरीन है, देख के जाइएगा। तो देख सकते हैं कि एल टाइप में प्रॉपर वुडन का पार्टीशन है, जो हम आपको एज इट इज़ करवा के देंगे। इसमें आप इसी तरीके से कोई भी गिफ्ट आइटम्स लगा सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के मेडल्स, ट्रॉफी, कुछ भी दोस्तों इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एंटर करेंगे अपनी किचन में, और एंट्री करते ही सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे जो स्पेस है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर का स्पेस आता है, यहाँ पे आप फ्रिज दोस्तों रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके किचन के प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक ग्रे कलर का मार्बल आपके लिए लगाया जा चुका है, जिसके इस डायरेक्शन में रहती है हमारी सिंक, जहाँ पे आप दोस्तों बर्तन धो सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए पूरी खिड़की है, और खिड़की के साथ साथ बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेंसर में चिमनी हम आपको लगा के दे रहे हैं, जिसके नीचे आपका हॉब आ जाएगा,
ऊपर और नीचे वुडन के सारे पैनल्स आपके लिए तैयार करवाए जा चुके हैं दोस्तों। ये है हमारा एल टाइप का किचन एरिया। अब बात करेंगे हमारे तीनों बेडरूम की, जो कि रहने वाले दोस्तों आपके बहुत ही शानदार से बेडरूम। तो पहले हम देखते हैं इसके ड्राइंग रूम के साथ ही लगने वाले दोनों बेडरूम। तो ये रहता है दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा साइज है, जिसके अंदर हम आपको स्टोरेज प्रॉपर तैयार करवा के दे रहे हैं, पीछे वॉलपेपर काम करवा के दे रहे हैं। बीच में जो स्पेस छोड़ा गया है ये आपके बेड के लिए छोड़ा गया है। अब इस तरफ हमारा शाफ्ट एरिया है, जहाँ पे तक कि मतलब आपके घर में सफोकेशन ना रहे इस रूम के अंदर। फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर फैन हम आपको लगा के दे रहे हैं। सामने हमारा LCD पैनल है, यहाँ पे भी आसानी से 32 या 40 इंच का TV दोस्तों आसानी से लगा सकते हैं। इस वॉल पे आपका AC का प्रोविज़न आ गया। अब जस्ट चलते हैं इसी के साथ में रहने वाले इसी के दूसरे बेडरूम में, जो कि रहता है हमारा मास्टर बेडरूम। और इन दोनों बेडरूम में जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, इन दोनों बेडरूम के अंदर आपको दोस्तों बैल्कनी मिलने वाली है, और बैल्कनी भी काफ़ी ह्यूज बैल्कनी, काफ़ी बड़ी बैल्कनी है, जो फेसिंग करेगी फ्रंट की में रहने वाली 25 फीट गली को। और जो गली रहेगी दोस्तों प्रॉपर गेटेड गली है, गली के दोनों तरफ गवर्नमेंट के गेट लगे हैं, जो रात को दोस्तों बंद हो जाते हैं सिक्योरिटी वाइज। तो ये रहता है दोस्तों हमारा सेकेंड बेडरूम, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि स्टोरेज पूरी यहाँ पर भी आपको बना के दे रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपको ड्रेसिंग का पार्ट है जो हम आपको यहाँ पर तैयार करवा के दे रहे हैं। इसके बीच में भी आपका बेड आ जाएगा, और पीछे वॉलपेपर का डिज़ाइन आ गया। इसके रूफ की डिज़ाइन बात करेंगे तो फॉल सीलिंग का यहाँ भी एक अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन है, जिसके बीच में फैन कॉबलाइट सारे काम करवाए जा चुके हैं, और इसमें भी हम आपको LCD पैनल यहाँ पे भी लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप आसानी से 32 इंच या 40 इंच का TV दोस्तों लगा सकते हैं। ये रहता है दोस्तों हमारा अटैच वॉशरूम, क्योंकि मास्टर बेडरूम है, और इसके अंदर भी हम आपको सारी फिटिंग, सारे हर तरीके की बाथ फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग दोस्तों उसमें करवा के दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपकी वेंटिलेशन की, तो ऊपर आपका AC आ जाएगा, स्प्लिट AC, और ये हमारी नेचुरल एयर के लिए पूरी विंडो है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, विंडो आपकी खुल जाती है। अब जस्ट इसके बाद देखेंगे हमारी बड़ी वेंटिलेशन, जिसको हम बोलते हैं बालकनी एरिया। ये दोस्तों बालकनी है, जो कि हमारे दोनों बेडरूम से रहेगी, ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। इसके बाद मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखाऊंगा, जिसके साथ भी आपको यही बालकनी दोस्तों मिलने वाली है। तो बालकनी में चलेंगे हम अपने सेकेंड बेडरूम से, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका हमारा थर्ड बेडरूम, जो कि रहने वाला है बिल्कुल हमारे किचन के दूसरी डायरेक्शन में। ये आ जाता है दोस्तों हमारा थर्ड और फाइनल बेडरूम, जिसके साथ भी आपको मिलने वाली है बैल्कनी। बट बैल्कनी से पहले डायमेंशन बहुत अच्छा है, इधर भी हम आपको वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं। यहाँ भी फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ भी डिज़ाइन है, फैन लगाया जा चुका है। आखिरी में इस कमरे में भी हम आपको LCD पैनल लगा के दे रहे हैं। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि ड्राइंग रूम में तो LCD पैनल है ही, उसके साथ साथ तीनों बेडरूम में आपको LCD पैनल दोस्तों मिल रहा है। तो इसके साथ हमारी वेंटिलेशन की बात करें तो ये हमारी वेंटिलेशन है, ऊपर विंडो AC आ जाएगा, नीचे नेचुरल की विंडो है, और जस्ट इसी के साथ में हमारी स्टोरेज दोस्तों रहती है। काफ़ी अच्छा स्पेस है स्टोरेज का, आप देख सकते हैं डेप्थ बहुत अच्छी है, चौड़ाई बहुत अच्छी है अलमीरा की, ऊपर भी आपको स्टोरेज दोस्तों मिल जाती है। अब इसके बाद देखेंगे हमारी बालकनी, ये रहती है दोस्तों हमारी बालकनी। अब सबसे पहले मैं आपको बालकनी का साइज़ दोस्तों दिखाता हूँ कि आप बालकनी का साइज़ देखिए कि कितना बड़ा है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है बालकनी का। इस डायरेक्शन में आपकी वॉशिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पे आपकी टूटी और स्विच दोनों लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, जहाँ पे आप कपड़े धो के फ्रंट में दोस्तों सुखा सकते हैं, और फ्रंट में हमने आपको SS प्लस टफन दोनों का काम करवा के दे रहे हैं। और जस्ट ठीक इस गली के सामने आप देख सकते हैं 25 फिट की गली है, जहाँ से आपके 4-व्हीलर दोस्तों एंटर करेंगे और बहुत आसानी से बहुत प्यार से दोस्तों आ जाएंगे। और गली जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि दोनों तरफ से गेटेड गली है, और इस गली से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पे हमारा आ जाता है दोस्तों मोहन गार्डन का सबसे फेमस चौक, जिसको हम बोलते हैं विक्रांत चौक। और वहाँ से राइट लेके आपने कहीं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट आपको जो कनेक्ट होगा वो हो जाएगा उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो, और बाकी हर तरीके की कनेक्टिविटी आपको इस विक्रांत चौक से दोस्तों मिलने वाली है। अगर आपको ई रिक्शा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो नहीं जाना, आपको द्वारका मोड़ मेट्रो जाना है, तो वो भी यहाँ से ई रिक्शा से आप लेफ्ट हो जाएंगे तो द्वारका मोड़ मेट्रो पहुँच जाएंगे। तो हर तरीके की कनेक्टिविटी आपको दोस्तों यहाँ से मिल जाती है। अगर आपको विकासपुरी पश्चिम विहार जाना है तो अगेन विक्रांत चौक से राइट होकर आप सीधा पश्चिम विहार विकासपुरी के लिए दोस्तों कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 100 गज में रहने वाला 3BHK फ्लैट, जो कि ऑन पेपर आपको मिलता है 90 गज, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे दोस्तों आपके लिए फ्लैट रेडी किया है। अगर अदरवाइज अगर आप आज के टाइम पे मार्केट में फ्लैट ढूंढने जाते हैं 3 बेडरूम का, तो
अप्रॉक्सीमेट दोस्तों उसकी जो कॉस्टिंग है 55 लाख क्रॉस हो चुकी है, बट हमने जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आज भी पुराने रेट पर ही कंसिडर कर रहे हैं। तो फटाफट आइए इस 3 BHK फ्लैट को दोस्तों अपना बनाइए, और अपना बनाने के लिए करना क्या है, नीचे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करना है, अपनी विजिट अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अभी इस बिल्डिंग के अंदर आपको दोस्तों चारों फ्लैट मिल जाएंगे। अगर आपको टॉप फ्लोर चाहिए जो कि इस वक्त मार्केट की अफीम बनी हुई है दोस्तों, तो टॉप फ्लोर भी विद रूफ रेंट के साथ आपको दोस्तों मिल जाएगा, बट आपको जल्दी करनी पड़ेगी नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो अब टॉप फ्लोर मार्केट में एक तरीके से गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और इतने ज़्यादा टॉप फ्लोर है नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अब क्या हो रहा है कि आने वाले जो भी बिल्डर हैं या जो बिल्डर काम करते आ रहे हैं वो अपनी छत के ऊपर टेरेस गार्डन का कॉन्सेप्ट दोस्तों लेके आ रहे हैं। तो इस रीज़न से जो पर्सनल टॉप फ्लोर है वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अगर आपको पर्सनल टॉप फ्लोर चाहिए और वो भी 3 BHK या 2 BHK के अंदर, तो मेरी इस 200 गज की बिल्डिंग में दोस्तों आपको मिल जाएगा, बेशर्ते आपको जल्दी करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल कीजिए, और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे विद बेल आइकन तो आपके पास मेरी आने वाली हर बजट की वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी, और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उस हमारे चैनल पर जाकर अपना फ्लैट दोस्तों ढूंढ सकते हैं। और ख़त्म होने के साथ अपने इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले को अगर वो घर ढूंढ रहा होगा तो इसकी वजह से वो अपना घर ले पाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ अपने दोस्त लवी ठाकुर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इसी तरीके से अपनी नई कंस्ट्रक्शन में, नई बिल्डिंग में, नई वीडियो में। तब तक ले नमस्कार, रब राखा, जय हिंद।